अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां आर्थिक तंगी के चलते पति की अस्थियां लगभग एक महीने से घर पर रखी हुई हैं। 30 वर्षीय फुला का दर्द आप उसकी आंखों से समझ सकते हैं। घर में 3 मासूम बच्चों के साथ आर्थिक तंगी झेल रही फुला ने बताया कि मेरे पास जो कुछ था वो मैं अपने पति के अंतिम संस्कार में लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास अब इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पति के अस्थियों को ले जाकर इलाहाबाद में विसर्जित कर सकूं। तो वहीं फुला ने बताया कि उसके घर की हालत यह है कि उसे अपनों बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल पड़ जाता है। जानकारी अनुसार राजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम कर्री निवासी फुला आदिवासी के पति हल्काई आदिवासी उम्र 35 वर्ष की 26/8/2022 को मौत हो गई थी। मौत के समय फुला अपने मायके में थी। फुला ने बताया कि उसके परिवार की हालत शुरू से ही ठीक नहीं है। वह लोग मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिसके चलते उसका पति कर्ज लिए हुए था और कर्ज की चिंता के चलते उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत की जानकारी लगते ही वह मायके से अपने घर वापस आई तो उसने लोगों की सहायता से अपने पति का अंतिम संस्कार कर दिया। तो वहीं उसने बताया कि उसके पास जो कुछ था उसने अपने पति के अंतिम संस्कार में लगा दिए हैं, लेकिन अब उसकी हालत यह है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है और उसके पति के फूल एवं अस्थियां गरीबी के चलते गंगा में विसर्जित होने का इंतजार कर रहे हैं। फूला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उसके पति की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का बंदोबस्त किया जाए। तो वहीं फूला के पति की मौत के बाद उसके परिवार की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आगे आई थी। साथ ही फूला ने गांव के जिम्मेदारों से कई बार मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उसकी हालात पर किसी का दिल नहीं पसीजा। आंगनबाड़ी सहायिका कुंती रैकवार ने बताया कि फूला आदिवासी की आर्थिक हालत बेहद गंभीर है। उसके पति की मौत हो जाने के बाद उसके पास अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है। साथ ही वह दिन भर अपने पति की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के लिए चिंतित रहती है। हम सभी से जो कुछ बन रहा है हम लोगों ने मदद की, लेकिन 3 मासूम बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। अपने पति को के फूल इलाहाबाद ले जाने चाहिए। अच्छा, तो पैसे नहीं है, जितने पैसे थे से उनके दिन पानी में लगा दिया। अच्छा, पैसा नहीं बचा है? पैसा नहीं है। पति की मौत कब हुई थी? 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीने से फूल रखे हुए हो? हाँ, फूल रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हैं फूल? फूल यहाँ पर रखे हैं। अच्छा, लोगों से क्या हेल्प चाहिए, मदद चाहते हो आप? लोगों से हेल्प चाहता हूँ कि मेरे को खाने भी नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो मैं पैसे पति के फूल कैसे ले जाऊं? बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं मेरे। 3 बच्चे हैं। हाँ। सरकार से क्या क्या चाहते हो मदद? सरकार से नाज पानी चाहती हूँ मैं, कि मैं बच्चे को क्या खिलाऊंगी, और पैसे चाहती हूँ। अच्छा, कुछ मदद करी मेरी। कुंती, हाँ, आंगनबाड़ी सहायिका हूँ मैं। क्या हो गया यहाँ पर, क्या दिक्कत है इनको? यहाँ पर एक महिला का पति मतलब खत्म हो गया है, वो बहुत परेशान है, छोटे बच्चे भी हैं उसके, कुछ कर नहीं पाती है बेचारी, परेशान है। और उसको मतलब जो कछु भी है तो उन्हें अपने पति के मतलब वो कर दो, देन पानी कर दो और बाकी फूल वगैरह सब रखे भाए हैं। हाँ, आंगनबाड़ी का भी है मतलब कार्यकर्ता, तो उन्होंने मदद करी, उन्हें मतलब गल्ला वगैरह भी सोसाइटी से दे बुआ थोड़ी बहुत जितो भी कछु, जब बेचारी के बच्चा अच्छा खाने को मिले उन्हें। कुंती, आंगनबाड़ी सहायिका हूँ मैं। क्या हो गया यहाँ पर, क्या दिक्कत है इनको? यहाँ पर एक महिला का पति मतलब खत्म हो गया है, वो बहुत परेशान है, छोटे बच्चे भी हैं उसके, कुछ कर नहीं पाती है बेचारी, परेशान है। और उसको मतलब जो कछु भी है तो उन्हें अपने पति के मतलब वो कर दो, देन पानी कर दो और बाकी फूल वगैरह सब रखे भाए हैं। हाँ, आंगनबाड़ी का भी है मतलब कार्यकर्ता, तो उन्होंने मदद करी, उन्हें मतलब गल्ला वगैरह भी सोसाइटी से दे बुआ थोड़ी बहुत जितो भी कछु, जब बेचारी के बच्चा अच्छा खाने को मिले उन्हें।